ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बूंदी तैयार करने के लिए जो है घोल तैयार किया जा रहा है। उसके लिए यहाँ पर बारीक और मोटा दोनों बेसन लिया गया है। और दोस्तों ये गया इसमें पानी। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए। और दोस्तों इसको आपको जो है ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा गड्ढा भी नहीं करना है। आपको इसकी थिकनेस कैसी रखनी है वो आपको दिखाएंगे अभी। इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करते रहे बिल्कुल इस तरह, और अच्छे से मिक्स करते रहे। देखिए बिल्कुल इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। और दोस्तों इसको अच्छे से घोलना है। ध्यान रखें कि जो है बेसन है वो इसमें गुठलियों के रूप में ना रह जाए, वरना जो वो है आगे दिक्कत करेगा। और दोस्तों हमने यहाँ पर इसमें मोटा और बारीक दोनों बेसन यूज़ किया है, जो कि 50-50% के रेशो में लिया है। आप यहाँ पर सिर्फ बारीक बेसन का यूज़ ना करें। अगर आप ऐसा करते हो तो जो दाना है बूंदी का वो थोड़ा लंबा बनेगा, और हमें बिल्कुल गोल दाना बनाना है। तो आप क्या करना, गोल बिल्कुल गोल दाना बनाने के लिए इसको 50-50% ले लेना दोनों बेसन को, बारीक और मोटा। और इसको बिल्कुल इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखो दोस्तों, आपको इसको अच्छे से फेंटना है। ये देखो हमारे भैया जो है इसको अच्छे से फेंट रहे हैं। इसमें कोई भी गुठला नहीं रहना चाहिए, वरना जो वो है दिक्कत करेगा फिर। ये देखो बिल्कुल इस तरह से आपको इसको जो है फेंट लेना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बूंदी के लिए चाशनी तैयार की जा रही है। इसमें सबसे पहले पानी डाल लिया गया है, 7 किलो पानी डाला गया है। और दोस्तों अब ये गई इसमें शक्कर। और दोस्तों ये शक्कर इसमें लगभग 16-17 किलो शक्कर है टोटल। और अब इसकी यहाँ पर चाशनी तैयार की जाएगी। और दोस्तों जब भी आप घर में बनाओगे तो पर केजी के हिसाब से मेजरमेंट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर लें। और दोस्तों अब यहाँ पर जो चीनी है वो पूरी घुल चुकी है। अब इसमें दूध मिक्स किया जाएगा इसकी गंदगी को साफ करने के लिए। ये गया इसमें 1/2 लीटर दूध। इससे क्या होगा, जो दोस्तों इसमें शक्कर की जो गंदगी है वो सारी ये जो दूध है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और ऊपर निकाल देगा। ये देखो दोस्तों, इसका जो मेल है वो ऊपर आ चुका है। अब इसको जो है झाड़ी की सहायता से निकाल लिया जाएगा। ये देखो अब इसको निकाल लिया जाएगा। ये यहाँ पे इसको निकाला जा रहा है। इसको धीरे 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 पूरे को निकाल लेंगे। इसी तरह इसकी पूरी गंदगी साफ कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारी चाशनी है वो लगभग लगभग तैयार हो जाएगी। इसको कितना थिक रखना है और कितना पतला रखना है वो आपको आगे दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी जो चाशनी है वो रेडी हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा येलो कलर डाला गया है ताकि जो बूंदी है उसका कलर अच्छा है। ये देखो इतना कितना पतला इसको रखना है। देखो दोस्तों, आपको इसको एक तार की चाशनी नहीं बनाना है, एक तार से बिल्कुल कम की ये चाशनी बनती है। ये देखो इस तरह से आप करके देख ले, इस तरह की आपको रखना है इसको। देखो तो चलिए बूंदी निकाल के दिखाते हैं आपको कि किस तरह बूंदी बनानी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो घोल है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए, आपको इतना ज़्यादा थिक इसको रखना है। ये ना ज़्यादा गड्ढा है और ना ज़्यादा पतला है, बिल्कुल ऐसा आप रखें इसको। तो चलिए अब इसकी बूंदी निकालते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हमारी जो बूंदी है वो निकलने लग गई है, ये देखिए। यहाँ पर जारे को रखकर कढ़ाई के ऊपर और उसमें जो है गोल डाला जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको इसको इसके लिए तेल को जो है थोड़ा गर्म ही रखना है। हमारा जो बूंदी है वो गर्म तेल थोड़े गर्म तेल में ही फ्राई होती है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो दाना है वो बिल्कुल एक नंबर निकल गया है। देखो आप बिल्कुल गोल यहाँ पर शेप आई है दाने की। और अब ये जाएगा चाशनी में, ये देखिए। और चाशनी में डालने के बाद इसको बिल्कुल दबा दे ताकि जो है ये अच्छे से रस पी ले। ये देखिए आप इस तरह किससे इसको दबा दे। देखिए दोस्तों जो हमारी जो बूंदी है उसने अच्छे से रस पी लिया है। आपको इसको 2 से 3 मिनट तक इसी में रखना है, उसके बाद इसको निकाल लिया जाएगा। दोस्तों आपको जो घोल है वो साफ कर लेना है इससे जारे से, और इसको ये देखो इस तरीके से, और इसको अच्छे से साफ कर ले जारे को एक बार निकालने के बाद। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फिर एक बार निकालने के बाद जो है ये जो छेद है इसके ये ब्लॉक हो जाते हैं, तो इनको साफ करना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों आपको इसको धोने के बाद इस तरह सूती कपड़े से इसको पूछ लेना है अच्छे से, और क्योंकि इसको अपने को सुखाना होता है। ये बिल्कुल सूख जाएगा उसके बाद ही हम जो है दूसरा घर निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से सूती कपड़े से पूछ ले और इसको गैस के ऊपर गैस के ऊपर सुखा ले आप इसको थोड़ा सा, जो अच्छा रहता है। ये देखिए इस तरह। तो दोस्तों हलवाई जी ऐसे बोल रहे हैं कि आपको जो ये घोल है वो न ज़्यादा पतला और न ज़्यादा गड्ढा रखना है, और आप जब निकालते वक्त जब इसको बूंदी निकालेंगे और अगर आपको लगता है ये गड्ढा है तो थोड़ा सा पानी मिक्स कर लें और उसके बाद ही बूंदी निकालें। ये देखिए इस तरीके से, ये देखो डालते घोल को डालते ही जो है इसमें बूंदी निकल रही है और एक नंबर दाना बन के आ रहा है इसमें। और दोस्तों एंड में आप इसको इस तरह से घोल को डाल करके हाथ से इस तरह फैला दे, फैला ले इसको, और थोड़ा सा जो है झारे को झटकार भी ले। देखिए दोस्तों कितना परफेक्ट दाना जो है यहाँ पर बना है। और भैया इसको कितनी देर फ्राई करना है? इसमें 2 मिनट तक आपको इसमें जो है दाने को ये बूंदी को फ्राई करना है, और उसके बाद इसको निकाल करके सीधा चाशनी में डाल देना है। अच्छा हलवाई जी बोल रहे हैं कि आप इसको थोड़ा सा देख ले, अगर ये कड़क हो जाए तो इसको निकाल ले, मुलायम नहीं रहना चाहिए ये। ये देखिए तो अब तैयार है, ये गया चाशनी में गया, और चाशनी में डालते ही आप इसको जो इसको जो है आपको दबाना है। देखो इस तरीके से आपको इसको दबा देना है। और दोस्तों इसको आप 3-4 मिनट तक इसको इसमें ही डूबा रहने दे ताकि ये जो है रस अच्छे से पी ले, उसके बाद इसको निकाला जाएगा। ये देखिए दोस्तों
जो बूंदी है उसने यहाँ पर अच्छे से रस पी लिया है और अब इसको बाहर निकाल लिया है। अब इसको यहाँ पर दूसरे जारे में रखा गया ताकि जो एक्स्ट्रा जितनी भी चाशनी है वो वापस कढ़ाई में चली जाए। ये देखिए देखिए आप कितनी शानदार जो है बूंदी बनी है। दोस्तों जो ये इसमें हमने जारे पे रखी थी उसको अब यहाँ पर फैला रहे हैं। इसके ये जो पूरी चाशनी है वो कढ़ाई में जा चुकी है। जो भी एक्स्ट्रा चाशनी थी अभी देखो इस तरह से इसको फैलाया जा रहा है। आप भी घर में जो बड़ा बर्तन हो उसमें इस तरह इससे इसको फैला दे चाशनी नजर जाने के बाद। तो दोस्तों ये थी हमारी बूंदी की रेसिपी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।